क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, वायर का शेप दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द स्क्रीन एट द मोमेंट टी इक्वल्स टू जीरो, कनेक्टर वाज स्टार्टिंग टू ट्रांसलेट फ्रॉम द एपेक्स, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा था, ये कनेक्टर है और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो वाई होगा ये कितना होगा किसी भी टाइम टी के बाद, हाफ ओमेगा टी स्क्वायर और जब ये वाई पे पहुंच जाएगा उस समय ये जो एरिया होगा ये भी अपन निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या किया था अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई फ्रॉम जीरो टू वाई, एक्स मतलब वाई बाई ए का अंडर रूट याद आ रहा है अभी, एंड एरिया विल बी इसका ट्वाइस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फील्ड इन टू एरिया एंड इंड्यूस डी एम एफ ई विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अपने रेगुलर लेक्चर्स एक बार रिफर कर लेना, उसमें भी अपने पूरा सॉल्व किया था इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ। सर आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ लिए हैं क्या कि कौन से हैंड आउट? नहीं मुझे अभी बता दो ऑडियो पे, मतलब तुम जैसे ऐसे पूछते जा रहे हो मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो वन से फाइव के बीच में कुछ डाउट है क्या किसी को भी? अभी किसी ने मुझे सेवेंथ पूछा तो ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी। देखो सेवेंथ में क्या दिया, क्लोज्ड प्लेनर वायर लूप ऑफ एरिया ए एंड आर्बिट्री शेप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप दिया हुआ है आर, द लूप इज नाउ टर्न अपसाइड डाउन बाय 180 डिग्रीज सो दैट इट्स प्लेन अगेन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल चार्ज दैट मस्ट हैव फ्लोन थ्रू द वायर रिंग इन द प्रोसेस इज। अच्छा चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर, इसको अपन कैसे लिखते, इसका भी फॉर्मूला आपने देखा था ना, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस याद है ये, और चेंज इन फ्लक्स 2ab होगा ना, 2ab अपॉन r। मान ले पहले लूप ऐसा था और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन था, और मैं इनटू द स्क्रीन वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लू तो इनिशियली एरिया एरिया भी इनटू द स्क्रीन होगा ऐसे मान सकते हैं अपन, तो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स वॉज बी इन टू ए, और जब इस लूप को मैं 180 से रोटेट कर दूंगा, 180 से अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो इसका एरिया नेगेटिव हो जाएगा और फाइनल फ्लक्स जो है। स्क्वायर कॉइल ए बी सी डी इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर पासिंग थ्रू द ओरिजिन कैरीज अ करंट टाइम, द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ कॉइल में से फ्लक्स कितना होगा, स्क्वायर कॉइल दिया हुआ है एबीसीडी और लॉन्ग वायर जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक सेंटर से पास कर रहा है और इस तरफ करंट कैरी कर रहा है, तो मुझे बताओ ये जो वायर है इसका फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अगर मान लो इसका फील्ड मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो इस पॉइंट पे इसका फील्ड इसी प्लेन में इस तरफ होगा, ऐसे सर्कुलर लूप्स बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड्स कोई भी फ्लक्स क्रिएट कर पा रहे होंगे इस लूप के थ्रू? अगर तुम्हें ये लूप दिया हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप के प्लेन में अगर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका फ्लक्स कितना होगा इसी लूप के थ्रू? जीरो। तो अगर फ्लक्स हमेशा ही जीरो होगा तो भले मैं करंट को बढ़ा दूं, करंट को बढ़ाने पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन के अंदर बढ़ेगा इस तरीके से, बट फ्लक्स तो हमेशा जीरो ही होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी जीरो। स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद टाइम, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। देखो ये सिमिलर टाइप का सवाल है ना जो इसके पहले अपन ने देखा था, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स तो जीरो होगा ना यार इस लूप में से, ये जो वायर है इस वायर में से अगर करंट आए जा रहे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड
तो फ्लक्स इस लूप से कितना होगा? अगर मान ले एक सर्कुलर लूप है और उसके थ्रू एक वायर ऐसे जा रहा है, लॉन्ग वायर, इन्फाइनाइट वायर, तो इन्फाइनाइट वायर का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर लूप के प्लेन में, वो ऐसे सर्कुलर ही होगा ना, इसी प्लेन में लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे। नहीं समझ रहा? समझा सर। ओके, तो इसका आंसर भी देयर विल बी नो इंड्यूस करंट, ऑप्शन डी होगा। और 11th में क्या दिया हुआ है? इन अ लॉन्ग हॉलो वर्टिकल मेटल पाइप अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड। मैग्नेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। हाँ, ये वाला पार्ट छोड़ दो, इसको बाद में ट्राई करना। बट डिक्रीज होगा ना, ये अपने पढ़ा नहीं अभी तक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज, जब हम पढ़ेंगे तब तुम इसको कर पाओगे, अभी के लिए छोड़ दो इसको। सर हम एक एलिमेंटल लूप मान के इतना तो बोल सकते हैं ना कि डिक्रीज होगा। अच्छा अपन ने, ठीक है वैसे भी कर सकते हो तुम, अगर तुम ऐसा एक लूप मान रहे हो। और सवाल में क्या दिया है? इन अ लॉन्ग हॉलो वर्टिकल मेटल पाइप अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड ड्यूरिंग इट्स फॉल द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट। नहीं, इस लॉजिक से नहीं कर पाएंगे ना ये, क्योंकि लॉन्ग हॉलो पाइप दिया हुआ है, हॉलो पाइप के अंदर ये गिर रहा होगा। हाँ सर, तो एक एलिमेंटल लूप ले लेंगे, सर्कुलर लूप। एक एलिमेंट से क्या होगा? ये वाला केस हमने देखा था ना कि ये वाला देखा था, मगर ये टर्मिनल स्पीड अटेंड कर लेगा ना, क्योंकि बहुत लॉन्ग दिया है तो टर्मिनल स्पीड अटेंड हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे इसका ये नॉर्थ पोल अगर मैं मान लू और ये साउथ पोल, और अगर ये नीचे गिर रहा है तो इस एलिमेंटल लूप में से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, और अगर मैं ऊपर वाला एक एलिमेंटल लूप लेता, ऊपर वाला अगर मैं एक एलिमेंटल लूप लेता हूं तो उसमें से वो भी ऊपर की तरफ ही करेगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा ना इस केस में। हाँ, तो दोनों केस में वो फोर्स ऊपर ही लगेंगे, ठीक है अपन बोल सकते हैं, इस लॉजिक से भी बोल सकते हैं, दोनों केस में फोर्स ऊपर लगेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा इसका एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है जो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है वो नीचे वाले वेट को बैलेंस कर जाएगा, और फाइनली वो टर्मिनल स्पीड एक्वायर कर लेगा। करेक्ट, सो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज टू जीरो एंड इट विल अटेन अ टर्मिनल स्पीड, ये बोल सकते हैं ना अपन इस लॉजिक से। टर्मिनल स्पीड का नहीं बोल सकते ना। हाँ, बहुत ही लंबे समय के बाद अचीव करेगा, ठीक है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है, मतलब हाँ सर समझ गया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो अचीव करेगा ना, तो आई डोंट नो कि वो ऑप्शन में वो लोग ने क्या क्या कंसीडर किया आंसर में, सी दिया होगा मेरे हिसाब से। सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी आप कैसे बोल सकते हो? देख अगर ये बहुत ही वो इक्वल हो जाएगा ना BIL और M, ये बहुत ही लॉन्ग वायर है ना, बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर है, तो जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब अभी इसके थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है मतलब फ्लक्स भी चेंज कर रहा होगा, और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग फाइनल सिचुएशन ऐसी होगी ना ताकि फ्लक्स चेंज ना हो, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। तो वो तो ट्राई करेगा ना उस पॉइंट तक पहुंचना, बट मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इंक्रीज होता रहना चाहिए पूरे पाइप के थ्रू कांस्टेंट वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, बट वो इंक्रीज क्यों होगा आज वो मेरे को नहीं समझा। क्योंकि देख इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियली जब मैंने मैग्नेट को ड्रॉप किया होगा तो इनिशियली ये नीचे की तरफ स्पीड अप कर रहा होगा, और इनिशियली इसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन जैसे हां ठीक है सर समझा ना अभी। हाँ, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ये इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ते जाएगा, इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स बढ़ते जाएगा बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, और फाइनली जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस समय उसने जो भी वेलोसिटी एक्वायर की होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। सर इसमें E का एक फंक्शन आता है, क्या बोल रहे हो? ये जो हमने डिस्कस किया उसमें भी E का एक फंक्शन आता है फॉर्मूला से करके,
निकाल सकते हैं ई का फंक्शन, बट ये लोग यहाँ पे खाली क्वालिटेटिव पूछ रहे हैं ना, ये लोग एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पूछ रहे कि एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा. लेकिन अगर तू शायद इसको सॉल्व करेगा तो वो वैसी टाइप का एक फंक्शन आ जाएगा, 1 - e^(-t) के फॉर्म में. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट विल टेंड टू टर्मिनल वेलोसिटी, समथिंग लाइक दिस. ओके सर. 13th or 16th? 14th. सर 14. अच्छा 13th देख लेते पहले. 13th में देखो क्या दिया. An electric current I1 can flow either direction through loop 1 and induced current I2 in loop 2. I positive I1 is when current is from A to B in loop 1 and positive I2 is when current is from C to D in loop 2. Okay. In an experiment, the graph of I2 against T is shown, is as shown in the figure. So I2 constant. Which one of the following graphs could have caused I2 to behave as given above? अच्छा, तो I2 जो है वो I1 के वजह से induce हो रहा है, I1 के वजह से constant current induce हो रहा है. तो देखो इसमें दोनों का कुछ तो एक mutual inductance होगा, दोनों wires का. अगर wire one, loop one में अगर मैं I1 current दे रहा हूँ, इसके वजह से लूप टू के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो फाइ टू होगा एंड फाइ टू विल बी एम टाइम्स आई वन, राइट. और रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइ टू जो होगा दैट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप टू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम टाइम्स डी आई वन बाई डी टी एंड इंड्यूस्ड करंट इन लूप टू आई टू विल बी इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर. तो ये m by r times di1 by dt होगा और ये i2 constant दिया हुआ. तो एटलीस्ट मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि i1 should be a linear function, तभी उसका differentiation constant आएगा, right? तो either option c सही होगा या फिर option d सही होगा. पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, ऐसे सॉरी इंड्यूस हो रहा नहीं बोलूंगा, अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन आउट होगा क्योंकि ये जो नीचे वाला वायर है वो उसके ज्यादा नजदीक है, तो नीचे वाला वायर डिटरमाइन करेगा ना डायरेक्शन. ये वाला जो वायर है वो आउट ऑफ द स्क्रीन प्रोड्यूस कर रहा है इस लूप में से, और ऊपर वाला जो एक सेकंड को क्या मिस्टेक किया इसमें सर, वो ग्राफ वो जो आरो बना हुआ है वो एक्चुअल ग्राफ है आई थिंक, जो एरो बना है वो सर, वो एरो टी लिखा है ना, तो सर वो आई टू और टी, तो वो ग्राफ उसको ऊपर है जीरो से ऊपर, मतलब वो I2 पॉजिटिव है. I2 पॉजिटिव है ना? हाँ. और I2 पॉजिटिव है मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, C से D. सर उल्टा होना चाहिए ना? एक सेकंड रुको. I2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव I2 इज व्हेन इट इज फ्लोइंग फ्रॉम C टू D, मतलब करंट C टू D इंड्यूस हो रहा है. और अगर I2 करंट ऐसे इंड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये I2 करंट किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसी लूप में इनटू द स्क्रीन. तो I1 का जो फील्ड है वो आउट ऑफ द स्क्रीन होना चाहिए, लूप 1 जो यहां पे फील्ड क्रिएट करेगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन होना चाहिए. अगर मान लो I1 हमने फिक्स किया ना, हां सॉरी I2, तो अगर मान लो ये लूप ऐसे करंट कैरी कर रहा है तो इस करंट का जो फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे लूप के बाहर डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? सर आपने जो ड्रॉ किया उससे फ्लक्स बढ़ रहा होगा और उसी डायरेक्शन के सेंस में आपने बना दिया है. नहीं, तुम लूप के अंदर की बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो ना कि अगर मैंने इस सेंस में करंट को बढ़ाया तो लूप के अंदर तो इनटू द स्क्रीन फील्ड बढ़ेगा. हाँ. लेकिन लूप के बाहर तो आउट ऑफ द स्क्रीन होगा ना फील्ड इसका. लूप के बाहर डायरेक्शन कैसा होगा इसका? अगर मान ली ये लूप है और इसमें से करंट आ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन शेप लाइक दिस.
सर बट मुझे लगता है आपने वैसे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का लगाया तो काफी पास पास है तो फिर हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और ये पूरा लूप भी नहीं बन रहा इधर, ये ए और बी के बीच में स्पेस दिख रहा है। सर आपने आई लूप वन में जो करंट का डायरेक्शन माना है उसके अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होना चाहिए ना स्क्रीन का। मैं वही बोल रहा हूँ, लूप के अंदर अगर तुम डिटरमाइन करते हो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर होगा, इनसाइड तो सर सामने से देखेंगे तो लूप टू से देखेंगे तो। हाँ सर लूप टू के आप उससे देखोगे ना, और लूप टू के बाहर भी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो दोनों मतलब आपने उल्टा लिया ना उसको। मतलब कि फिर बी से ए जा रहा होगा करंट आई वन, तभी तो उसको काउंटर करने के लिए वो सी टू डी फ्लो कर रहा है। एक सेकेंड, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये लूप है एक और इसमें से करंट मान लो इस सेंस में आए जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर किस डायरेक्शन में होगा? लूप के अंदर तो आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि लूप के बाहर इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इनटू होगा ना सर, पर दूसरे लूप के लिए भी तो वैसा ही होगा ना। तो अगर आप एक कंडीशन अगर अंदर का दोनों का ऑपोजिट कर दोगे तो बाहर का ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगा ना। इस केस में तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। ये पता नहीं है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी भी सर। वो लूप सामने सामने है सर, डायग्राम में वियर्ड दिया है पर वो सामने सामने है यार। अच्छा इसका ओरिएंटेशन शायद अपन गलत समझ रहे हैं, सही बोल रहे हो, मतलब सेम एक्सिस पे दोनों। ओके मतलब ड्रॉ वैसे किया है। अभी समझा मुझे ठीक है, अभी समझा मुझे तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक हां मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर रहा था। देखो एक सेकंड मैं डायग्राम यहां पे वापस पेस्ट कर देता हूं। अच्छा ये एक्चुअली प्लेन के अंदर नहीं है, टेबल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है ना ये लूप, यही बोल रहे हो ना तो? हाँ सर। मैं टेबल के प्लेन में ही मान रहा था इसको। ओके तो नाउ इट्स इजी, करेक्ट। अभी अगर तुम इसको ऐसा लूप मान रहे हो तो अगर अभी ये करंट इस सेंस में हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं इनटू द स्क्रीन जाएगा, करेक्ट? ठीक है तो उस लॉजिक से डी आ जाएगा ना, सही बोल रहे तुम लोग, सबको समझ में आया अभी? मैं एक्चुअली इसको टेबल के प्लेन में ही मान रहा था, इसी स्क्रीन के प्लेन में मान रहा था, बट एक्चुअली लूप टू जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है थोड़ा। अगर लूप वन को मैं स्क्रीन के प्लेन में मानूंगा तो लूप टू इज आउट ऑफ द स्क्रीन, और अगर करंट ऐसे इस सेंस में जा रहा होगा लूप वन में तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ेगा और ये बाहर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इसके अंदर करंट इस सेंस में इंड्यूस होगा। तो एक्चुअली आई वन शुड इंक्रीज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ऑप्शन डी सही होगा। सर आपने वैसे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाया था तो ऐसा होता तभी तो लगाते हैं, नीचे नीचे होंगे तो। लेकिन अगर मान ले, देख उन लोगों को मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं जो सोच रहा था वो अगर मान ले ये दो लूप्स इसी स्क्रीन के प्लेन में होते, आगे पीछे नहीं इसी स्क्रीन के प्लेन में, और अभी अगर मैं तुमको बोलता कि ये फर्स्ट लूप है और ये सेकेंड लूप है और फर्स्ट लूप में करंट इस सेंस में इंक्रीज कर रहा आई वन, This I1 is increasing in this sense. तो मुझे बताओ loop 2 में जो current है वो किस sense में produce होगा? इस case में तुम्हारा answer क्या होता? I1 के sense में produce हो जाएगा। Correct. देखो इस case में I1 अगर बढ़ रहा है तो I1 का जो magnetic field है loop 2 के अंदर वो किस तरफ है? बाहर की तरफ। और I1 अगर बढ़ता तो out of the screen ये magnetic field बढ़ता और इसको रोकने के लिए इसके अंदर जो I2 है वो भी इसी sense में produce हो जाता। ये वाला केस समझो, नेगेटिव कैसे आ रहा है वापस समझा सकते हो एक बार? एक मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो लूप का ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है, आगे पीछे रखा हुआ है ये लूप। हाँ सर। ऐसे मान ले कि स्क्रीन के बाहर एक लूप रखा हुआ है और स्क्रीन के प्लेन में एक लूप रखा हुआ है, तो आई टू का सेंस तो ये ग्राफ में दिया हुआ है, आई टू इज पॉजिटिव, मतलब आई टू जो है वो सी से डी जा रहा है, और अगर I2 C से D इंड्यूस हो रहा है तो I2 तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो I1 का मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द स्क्रीन प्रोड्यूस होना चाहिए, तो उसके लिए I1 को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा ना, तभी वो आउट ऑफ द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझा अभी? ये I1 अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा
स्क्वायर हो या सर्कुलर हो फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज आई वन विल प्रोड्यूस आउट ऑफ द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड, और आई वन बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उसको रोकने के लिए आई टू विल बी इन द क्लॉकवाइज सेंस. ओके ओके सर. 14 सर. एक सेकेंड. हाँ figure shows a bar magnet and a long straight wire W carrying current into the plane. Point P is the point of intersection of the axis of the magnet and the line of the shortest distance between the magnet and the wire. If P is the midpoint of the magnet, then which of the following statements is correct? The magnet experiences a torque in the clockwise direction. अच्छा देखो ये वापस ये magnetic properties के ऊपर based है, but इसका तुम एक basic idea ले सकते हो. मुझे बताओ वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इमेजिन करो कि ये जो बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल पे एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके साउथ पोल पे एक नेगेटिव चार्ज है. और अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा क्यू ई. और नेगेटिव चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो माइनस क्यू पे फोर्स उसके ऑपोजिट होगा, राइट. तो सेम चीज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ हो रहा होगा. इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से ऐसे जा रहा होगा, सर्कुलर होगा ना इसका मैग्नेटिक फील्ड. नॉर्थ पोल में इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और साउथ पोल पे इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा. तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इसी तरफ होगा, बट साउथ पोल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके ऑपोजिट, वो इस तरफ होगा. तो क्या होगा इस केस में बताओ आंसर? टॉर्क कैंसिल हो जाएगा ना. हाँ, और फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? डी, अलोंग द नॉर्मल लाइन, अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट. और बताओ सर, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी मिला हुआ है क्या? इसमें मिला हुआ है कुछ कुछ सवाल जो अपन देख रहे हैं ये मिला हुआ है. ये अपन जब एसी सर्किट्स अपना हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद अपन वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सारे. सर 15th वाला भी मतलब छोड़ देना है अभी के लिए. छोड़ दो अभी के लिए, छोड़ दो अभी, सवाल नहीं आएंगे इस पे. सर 16th. हाँ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कैपेसिटर. As shown in the figure, conductor का length दिया हुआ है. It's moved with a constant speed V naught. Which of the following graph depicts the variation of current through the inductor with time? अच्छा. यहाँ पे मुझे बता अगर conductor constant speed से जा रहा है तो उसके अंदर EMF कितना induced होगा? BVL. Correct. BVL. ये उसके अंदर EMF induced होगा. तो circuit कुछ ऐसा बन रहा होगा. रेजिस्टेंस नहीं दिए ना किसी का भी. रेजिस्टेंस है ही नहीं. तो रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट जीरो होगा ना उस केस में. तो ये तुरंत इस पे चार्ज क्यूई आ जाए, सॉरी सी चार्ज आ जाएगा इस पे, एंड दिस चार्ज विल बी कांस्टेंट एंड देयर विल बी नो करंट. सो तो सी होगा. रेजिस्टेंस के बिना तो सी लग रहा है आंसर. हाँ आरसी सर्किट में नहीं बन रहा, नहीं तो फिर अपन सर सी आंसर है. देख अगर मान ले इसमें रेजिस्टेंस भी दिया होता उस केस में आंसर क्या होता? रेजिस्टेंस भी अगर दिया होता कुछ तो उस केस में करंट ऐसे डिक्रीज करता. आरसी सर्किट्स में तुम्हें याद है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आता था. बट अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इस ईएमएफ के वजह से इस पे तुरंत सी चार्ज आ जाएगा और ये चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा तो डीक्यू बाय डीटी जीरो हो जाएगा ना हमेशा. ईएमएफ के लिए होता ना वो तो ये भी तो कांस्टेंट ईएमएफ ही है ना. मैं बोल रहा हूँ कि अलग से एक रेजिस्टर होता तो अगर, लेकिन अगर रेल्स का भी तो फिर कांस्टेंट नहीं होता तो वी कांस्टेंट नहीं होता फिर तुम्हें देखना पड़ता कि कैसे वेरी कर रहा है. उस केस में फिर ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं होता.
और EMF कांस्टेंट है RC का। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, अपन किसी भी इंस्टेंट में कुछ अज्यूम कर लेते हैं ना। अपन मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे मान लो वेलोसिटी v रहा होगा, तो उस समय सर्किट में से कितना करंट जा रहा होगा मैं ये कैलकुलेट कर लेता, और उस समय इस पे कितना फोर्स लग रहा होता ILB, ये कैलकुलेट कर लेता। ऐसे टाइप के सवाल किए है ना अपन ने, अगर वी कॉन्स्टेंट नहीं है तो भी, तो तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह यूज करना पड़ सकता है उस केस में। सर हमने कैपेसिटर्स के साथ नहीं किया है, कैपेसिटर्स के साथ नहीं किया? नहीं सर। अच्छा रुको एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ फिर। सर हमें RC सर्किट का वापस डिराइव करना होगा ना, बस उसको वेरिएबल मान के। हाँ अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कैपेसिटर्स पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कैपेसिटर है सर्किट में, और ठीक है रेजिस्टेंस जीरो मान लेते, खाली कैपेसिटर्स का ही केस देख लेते। इसको मान लो मैंने वी नॉट स्पीड देके छोड़ दिया, अभी मैं इसको कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से मूव नहीं करवा रहा, मैंने इसको वी नॉट स्पीड दिया और छोड़ दी, तो क्या सिचुएशन होगी इधर बताओ? क्या लगता है आगे जाके वी नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा, कम होगा या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड है कैसे? कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट रहेगा इनटू द स्क्रीन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द स्क्रीन। कम होगा सर, कम होगा ना, कॉन्स्टेंट अगर रहता तो पाई बढ़ते जा रहा ना, क्या बढ़ते जा रहे? कैपेसिटर पे चार्ज, इनिशियली कुछ चार्ज नहीं था कैपेसिटर पे, इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज तो वी कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि आई जीरो है तो बी आई लग नहीं रहा, तो कोई फोर्स नहीं है, बट इंड्यूस हो जाएगा ना बाद में करंट। सो जो इंड्यूस होगा वो तो बार-बार चार्ज कर देगा ना कैपेसिटर। इस केस में वी कांस्टेंट नहीं होगा ना, मैं वही बोल रहा हूं, इस केस में लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वी डिक्रीज करेगा ना, जो भी चीज इसके करंट को इंड्यूस कर रहा है, वॉट एवर कॉज इज देयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द करंट, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, वो करेगा ना सर। बट अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इंड्यूस करंट ही जीरो हो जाएगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। देख इंड्यूस करंट एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है उसको समझ, यहाँ पे भी सिचुएशन जो होगी, इनिशियली तो कैपेसिटर पे चार्ज जीरो था ना, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी होगी करंट सडनली एक स्पाइक ले रहा है, ये एक्चुअल ग्राफ होगा, करंट का एक स्पाइक आया और उसके बाद करंट जीरो हो गया, दिस शुड बी द एक्चुअल ग्राफ। और करंट के स्पाइक ने क्या एंश्योर किया, कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो जीरो से सी हो गया, एंड दिस चार्ज इज कांस्टेंट बिकॉज़ वेलोसिटी वी नॉट इज कांस्टेंट, उसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहा हूं, तो ईएमएफ में चेंज नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में बाद में करंट जीरो क्यों हो गया? बाद में करंट जीरो इसलिए हो गया क्योंकि कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट चार्ज आ गया सी। सर शायद से करंट नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो आरसी भी जीरो हो जाएगा। देखो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना, बट ये वाला क्या समझ में आया तुम लोग को, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा? इस क्वेश्चन में भी तुम इसको एक तरीके का आरसी सर्किट मान सकते हो वेयर आर इज जीरो, और अगर आर जीरो हो गया तो मुझे बताओ व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट? जीरो। टाइम कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा, तो इस केस में आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस, सॉरी q इक्वल्स टू q नॉट, q इक्वल्स टू q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau, tau इज 0, तो दिस टर्म इज 0 राइट, तो तुरंत उसने q इक्वल्स टू q नॉट अचीव कर लिया होगा। बट इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जैसे ही करंट जाएगा, करंट जैसे ही पास होगा, ये v नॉट कांस्टेंट थोड़ी होगा। देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन लग, कोई भी टाइम इंस्टेंट पे अज्यूम कर लो, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मैं इसका वेलोसिटी v मान सकता हूं, पर आई वाले फार्मूला से भी प्रूव हो सकता है तो इसमें कितना इंड्यूस हुआ होगा, और क्या आएगा जो e है उसमें dvl dt आएगा ना? नहीं मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो bvl होता है ना, dt क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ सॉरी, किसी भी इंस्टेंट पे मैंने अगर कंडक्टर का वेलोसिटी v मान लिया,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी बीवीएल, और कैपेसिटर पे इस समय जो चार्ज होगा Q, वो किसके इक्वल होगा? सी बीवीएल करेक्ट। और dQ by dt विल बी करंट। अच्छा यहाँ पे क्या लगता है इंड्यूशन से ये चार्ज जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है टाइम के साथ? अच्छा वेलोसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है टाइम के साथ? वेलोसिटी लेंस लॉ से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कम ही हो रहा होगा, because of this velocity only current is getting induced. तो जिस कॉज के कारण EMF induce हो रहा है वो उस कॉज को oppose करेगा, मतलब velocity time के साथ कम हो रहा होगा, और velocity कम हो रहा होगा तो EMF भी कम हो रहा होगा और ये charge भी कम हो रहा होगा, और अगर चार्ज कम हो रहा है तो करंट का सेंस क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? चार्ज अगर टाइम के साथ कम हो रहा है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज, और ये करंट किसके इक्वल होगा? dQ by dt मतलब C कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, dV by dt। इससे तो वेलोसिटी बढ़ता हुआ आ रहा है। कहाँ बढ़ता हुआ? सर इनिशियली चार्ज जीरो था ना कैपेसिटर पे, ये नेगेटिव होगा ना बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग। इनिशियली चार्ज जीरो नहीं होगा, जैसे ही मैंने इसको वी नॉट वेलोसिटी दी चार्ज क्यू आ जाएगा ना इस पे। हाँ सर, और चार्ज अभी कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी कम हो रहा होगा सर, बट इससे वेलोसिटी बढ़ते हुए कहाँ आ रहा है? कम होते हुए आ रहा है ना यार, मुझे बता dQ by dt is positive or negative? Negative. साइन को भूल जाओ अभी, dQ by dt कम हो रहा है ना तो dV by dt भी कम हो रहा होगा, सॉरी Q कम हो रहा है तो V भी कम हो रहा होगा सर, बट अब अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो फिर एक्सेलरेट होने का सेंस आ रहा है। एक सेकेंड रुक, कुछ तो मिस्टेक की इधर, सही बोल रहा है राइट हैंड थंब रूल से तो इस पे राइट पे फोर्स लग रहा है सर, आई थिंक कैपेसिटर पे प्लस चार्ज उल्टा रहेगा, वेलोसिटी ऊपर की जगह नीचे के प्लेट में रहेगा। नहीं वो तो बैटरी के सेंस में ही रहेगा ना, एक सेकेंड रुकिए एक बार वापस देखते हैं इसको, आई थिंक मैंने सवाल सही से फ्रेम नहीं किया। किसी भी इंस्टेंट पे अगर इस पे वेलोसिटी वी होगा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ माना था पिछले सवाल में? इनटू द स्क्रीन राइट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये सेंस होगा। और ये प्लस क्यू चार्ज होगा और ये माइनस क्यू, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीजिंग होना चाहिए, वेलोसिटी कम होते जा रहा है और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे? कुछ तो मिस कर रहे हैं ये सवाल में अपन। ये अगर करंट का डायरेक्शन होता तो इसके फोर्स लेफ्ट पे लग रहा होता, इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस ऊपर ने सही बनाया ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है तो ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू बीवीएल। सर कन्वीनियंस के लिए हम लोग r टेंड्स टू 0 लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे शायद आर तो जीरो के इक्वल है ना, वो तो अपन है ले ही नहीं रहे सर्किट में। नहीं फिर लूप लॉ में कुछ ठीक हो जाएगा उससे शायद। लूप लॉ में अपन खाली यही लगा सकते हैं ना, लूप लॉ से ही तो अपन को क्यू सी के इक्वल मिल रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ आर टेंड्स टू जीरो लेके फिर लास्ट में उसका, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, नहीं तो वो और कॉम्प्लिकेटेड। सर एवरी इंस्टेंट आई जीरो ही होगा ना, देखो इसको बाद में करते हैं, मैं देखता हूँ इसमें शायद क्वेश्चन मैंने सही से फ्रेम नहीं किया, अगले लेक्चर में मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे टाइप के सवाल से कैसे डील करना है, मैं ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करके अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम।
एक बार पहले बुकलेट के बाकी के डाउट्स पूछ लो बाद में। सर 18th अच्छा देखो इसमें क्या दिया फिगर शोज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद फ्रेम एपेक्स फ्रेम विद एपेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्रीज फ्रेम स्टार्ट्स एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फ्रेम देन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम ओके तो देखो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि फ्रेम का एक्स लेंथ अंदर एंटर कर चुका है मान लो ये इतना पार्ट ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और ये लेंथ को अपन एक्स मान लेते ऑलरेडी एक्स लेंथ इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट कैन यू से अबाउट डीएक्स बाय डीटी डीएक्स बाय डीटी वी के इक्वल होगा और जो पार्ट अंदर है उसका अपन एरिया निकाल सकते देखो अपन को एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना अपन को खाली ग्राफ का शेप प्रेडिक्ट करना तो यहाँ पे जो बेस लेंथ होगा कैन आई से बेस लेंथ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्स इसको अगर मैं बी मान लू तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये छोटे ट्रायंगल का बेस भी बढ़ते जाएगा तो बेस को मैं सम कांस्टेंट टाइम्स x मान सकता हूँ तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया है दैट विल बी हाफ इनटू kx इनटू x तो एरिया भी कुछ कांस्टेंट टाइम्स x स्क्वायर होगा और फ्लक्स कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया तो फ्लक्स इज ऑल्सो सम कांस्टेंट टाइम्स x स्क्वायर सो x विल बी vt रेजिस्टेंस r भी मान लो तो वो भी तो कांस्टेंट ही होगा तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के प्रोपोर्शनल है तो करंट भी टाइम के ही प्रोपोर्शनल होगा ऑप्शन डी समझ में आया सबको ये यस सर 21st में आपने रोलिंग कंडीशन से सॉल्व किया था वापस कर दो ना प्लीज अच्छा टू कंडक्टिंग रिंग्स पी एंड क्यू ऑफ रेडियस आर एंड 2r आर मूविंग uniformly in opposite directions with center of mass velocities as 2v and v on a conducting surface there is a uniform magnetic field of magnitude b perpendicular to the plane of the rings potential difference between the highest points of the two rings okay to iska velocity 2v diya hua hai aur iska radius r iske about pure rotation ho raha hoga iske omega ko main omega 1 maan leta hu और ये पॉइंट P है इसके हाईएस्ट पॉइंट को P डैश मान लेते और मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन तो P डैश और P में कौन हायर पोटेंशियल पे होगा ऐसे इमेजिन करो कि एक R रेडियस का रॉड है जो ओमेगा वन से ऐसे रोटेट कर रहा है ये पॉइंट P और ये पॉइंट P डैश है और मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन तो पॉइंट P डैश हायर पोटेंशियल पे होगा ना क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ होगा और v p डैश वो r नहीं होगा वो 2r टू कॉइल्स x एंड y आर लिंक्ड सच दैट इट इज नाउ मेड टू फ्लो थ्रू y द फ्लक्स लिंक्ड विद x अच्छा देख x और y दो कॉइल्स है EMF E is induced in Y when the current X is changing. When the current in X is the current di by dt के रेट लिया है। Linked है ना तो फिर mutual inductance नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते mutual inductance? Linked जोड़े। Linked मतलब जोड़ा हुआ नहीं। Flux linked मतलब flux कितना pass कर रहा है। इसका यही मतलब है। The flux passing through X. Starting में लिखा है। लिंक्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड से ही लिंक्ड है अगर मान ले दो लूप्स ऐसे हैं इस लूप में से अगर करंट आए जा रहा होगा तो बिकॉज ऑफ दिस करंट इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा इस सेंस में ये दोनों लूप्स लिंक्ड है आपस में विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छा ओके मतलब दोनों में ऐसा कनेक्शन है दिस इज द इनविजिबल कनेक्शन बिटवीन द टू लूप्स एक से करंट पास करवा तो दूसरे के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा ये उसका मतलब है एक्चुअल में वो लिंक नहीं है फिजिकली ओके सर समझ सर 24th हाँ
metallic rod of length L and mass M is moving under the action of two forces F1, F2, directed opposite to each other, acting at its ends along the length. Ignore gravity and external magnetic field. If specific charges of electrons is given, then the potential difference between the ends of the rod in steady state. इसका लेंथ दिया हुआ है रॉड का और मास दिया हुआ है, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है. एफ वन ऐसे मान लेते और इस तरफ एफ टू मान लेते. इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ओके. इस रॉड का एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन कितना होगा रॉड का, अगर मैं F1 F2 से बड़ा मान लूं तो रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो F1 माइनस F2 अपॉन ये होगा. दिस एक्सेलरेशन विल बी M इज द मास ऑफ द रॉड. ये एक्सेलरेशन राइट की तरफ मैं मान रहा हूं. अभी अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता हूं. इस इलेक्ट्रॉन का भी स्टेडी स्टेट में एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. ए टुवर्ड्स होने वाला फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक. मान लो पॉइंट ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस वी सेटअप हो गया और ए और बी के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लू. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को राइट में एक्सेलरेट करना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लेफ्ट में लगना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वो आप समझा सकते हो. देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स राइट में लगना चाहिए ना. इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेलरेशन है वो ये राइट में आ रहा है इतना. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होना चाहिए. तभी मैं फोर्स को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू फील्ड. देख, इनिशियली जब स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन्स का भी अनस्टेडी मोशन रहा होगा. इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे होंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डिपोजिशन से यार, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज. सर नहीं समझ में आया. हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते वैसे तो. कभी करते नहीं है, मगर इस केस में हम लोग ने स्पेसिफिकली बोला है ना कंसीडर करने के लिए. ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेडी स्टेट में आ रहे फाइनली. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, फील्ड क्रिएट हो रहा होगा. मुझे बता इनिशियली क्या बोल रहा है. इलेक्ट्रॉन्स पे क्या सूडो फोर्स लग रहा है ऐसा है. सूडो फोर्स मत बोल, वो डिपेंड करेगा तू कौन से फ्रेम से देख रहा है इलेक्ट्रॉन्स को. अगर तू इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर तू रॉड के फ्रेम से देख रहा है तो तू मान सकता है कि इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा. वैसे भी सोच सकता है, अगर मान ले तू रॉड का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर देगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. और इन चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट में लगाएगा. फाइनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करना कब बंद करेंगे, जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर जाएगा. आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा. सूडो फोर्स मान सकता है तू. अगर तू रॉड का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा है तो तेरा काम आसान हो जाएगा. रॉड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इलेक्ट्रॉन में लग रहा होगा और स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रॉन. तो मैं दे दूंगा सॉल्व करने के लिए. नहीं, बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे ना. अगर फील्ड लेफ्ट में लग रहा है तो फोर्स पूरे ट्रायंगल में और पूरे ट्रायंगल का जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ए बी उसका वन थर्ड होगा. पूरे ट्रायंगल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ए बी बी सी और सी ए, इन तीनों साइड्स में 1/3, 1/3, 1/3 का फैक्टर आ जाएगा. तो दैट मींस रेजिस्टेंस में
एसी और बीसी में 1 ओम्स है और एबी में कितना है? एबी में 1 है और बाकी दोनों में 2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ पूरे लूप का? 4-5 हुआ ना? और इंड्यूस्ड ईएमएफ से तू लूप के अंदर करंट भी निकाल लेगा आई, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 0.6 आएगा और आई मिल गया तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ए बी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई माइनस आई आर करेगा ना, तूने शायद खाली ई निकाल लिया होगा बट माइनस आई आर का भी टर्म होगा ना उसमें, समझ में आया कि नहीं? 6-0.6 आता है। एक सेकंड चल रहा है क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? हाँ, √3 आ रहा है। ओके, √3 आ जाएगा एरिया, करेक्ट। और व्हाट इज डीबी बाय डीटी? √3। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूरे में 3 आएगा, तो करंट 3/5 होगा, 0.6। अच्छा देखो, चार्जिंग एक बैटरी में रिजॉल्व नहीं कर सकते तो फिर सबको शॉर्ट कर देंगे। डिपेंड करेगा कैसा सिचुएशन है उस पे डिपेंड करेगा, उसमें मल्टीपल इंडक्टर्स भी हो सकते हैं ना सर, तो फिर उस केस में केवीएल लगा के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मल्टीपल बैटरीज का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, उसके लिए फिर अपन को बेसिक से देखना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ, जैसे डिराइव किया था फॉर्मूला वैसे ही करेंगे ना? करेक्ट करेक्ट, उसमें ये मेथड वर्क करेगा, उसमें तुम्हें वापस बेसिक से डिराइव करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा देख, इसमें अपन ने देखा था ना कि करंट और करंट कैसे कैसे वेरी करता है, ये कैसा सिचुएशन है, ग्रोथ ऑफ करंट या डीके ऑफ करंट? t=0 पे स्विच क्लोज कर रहे तो करंट ग्रो करेगा ना? हाँ सर। और ग्रोथ ऑफ करंट का इक्वेशन क्या होता है? I=I0 1-e^(-t/τ). If e denotes the magnitude of induced EMF across the inductor and I is the current, inductor के across induced EMF कितना होगा? -LdI/dt। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? I0/τ e^(-t/τ). तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहां से तो e^(-t/τ) को टाउ ई बाय आई नॉट लिख सकता है। 47 के पहले 44 भी बोला था किसी ने? हाँ सर। अच्छा देख, इसमें क्या दिया है, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल circular cross section is made of non-magnetic material. The wire is of radius A. The wire carries a current I which is uniformly distributed over its cross section. Energy stored per unit length in the magnetic field. ये भी अपने क्लास में सॉल्व किया था ना? हाँ सर, इसमें अपने into volume क्यों किया था वो नहीं समझा था, मतलब b²/2μ0 × 2πrdr किया था आपने। b²/2μ0 तो energy density होता है ना, that is not the total energy, that is energy per unit volume. तो एक्चुअल एनर्जी निकालने के लिए मुझे डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जैसे अपन मास डेंसिटी से जब मास निकालते तो मास को अपन मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करते, लेकिन अगर मान ले मास डेंसिटी खुद वेरी कर रहा तो उसके लिए मुझे इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे डीवी, जिसका वॉल्यूम डीवी होगा, और उस केस में मास निकालने के लिए अपन क्या करते, इंटीग्रेशन ऑफ मास डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन अपन को टोटल मास देते, वैसे ही टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन, समझा? सर हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना है ना, पर यूनिट लेंथ पूछा है। हाँ तो एरिया से कर देंगे मल्टीप्लाई, करेक्ट। और कौन सा बोले थे? 47।
coil of inductance L and zero resistance is connected to source of variable EMF at t equals to zero. EMF of the source is varied with time according to the graph shown in the figure. What will be the average current that flows through the coil during time? इसका आंसर मुझे गलत आ रहा है सर. अच्छा देख लेते. EMF को अपन स्लोप क्या होगा इस केस में माइनस वी नॉट बाय टी. अगर मैं सर्किट को देखूं एवरेज करंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग द टाइम टी. करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा ये अपन निकाल सकते हैं. बोलो टी टाइम का पूरा टाइम दिया है ना सर की निकाल क्या दिया है. नहीं सर दिया ये टी गिवन है ना इधर सर. ये जो फंक्शन आएगा इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है मतलब. हाँ एवरेज के लिए तुझे वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसी भी चीज का. अगर एवरेज तुझे चाहिए तो उसका अपन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते. यहाँ पे अपर लिमिट कैपिटल टी होगा एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम. जैसे हाँ बता रहा हूँ एक सेकेंड रुक जाओ. अच्छा मुझे बताओ जब एनर्जी 1/4 होगा the total charge that has flown through the resistor till the energy in the inductor has reduced to 1/4 of its initial value. Decay wala circuit, decay of current. To agar energy 1/4 ho raha hai to hame pata hai ki energy is proportional to I square. So if energy is getting 1/4, current kitna ho gaya hoga? 1/2. Current 1/2 ho gaya hoga. That means I equals to I naught e to the power minus t by tau. Ye decay of current ka equation hota hai. To current I naught by 2 ho gaya. मतलब e to the power minus t by tau की जो वैल्यू है वो हाफ होगी. और हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द रेजिस्टर. तो टोटल चार्ज फ्लोन के लिए मैं इंटीग्रेशन ऑफ i dt कर सकता हूँ. हाँ एक और tau डिवाइड हो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब नीचे 1/2 tau आएगा तो वो ऊपर tau हो जाएगा ना. हाँ करेक्ट ऊपर एक tau आ जाएगा राइट. ओके सर. सर वो 47 है ना सर उसमें अभी 2/3 आंसर आ रहा है सर और 2/3 ऑप्शन से नहीं है. अच्छा ये मैं तुम्हें एक बार कैलकुलेट करके ग्रुप पे भेज दूंगा. मुझे एक बार ग्रुप पे याद दिला दो क्योंकि अभी टाइम शायद अपना होने वाला है. मेरा एक और लेक्चर है इसके बाद. हाँ सर एक क्वेश्चन बता दो ना. 48. अच्छा इन द LR सर्किट व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0. What is the variation of current as a function of time? Switch को अगर t equals to zero पे close करेंगे तो क्या situation होगी? देख initially inductor में से current zero है ना? और जो ऊपर वाला branch अपन को दिखाई दे रहा है ऊपर वाला circuit ये वाला इसमें से कुछ करंट जा रहा होगा 2V माइनस V V बाय R. द स्विच इज क्लोज एट t इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ I? ये वाले I का अपन को वेरिएशन निकालना है जो इसमें जा रहा है. दिस I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो इनिशियली ये I कितना होगा एक सेकेंड इसको कैसे V by R करेक्ट 2V minus V upon R V by R होगा. और किसी भी इंस्टेंट पे इसमें से अगर मैं करंट I मान लो I dash मान लो I1 मान लो या तो वो भी I ही होगा ना कि नीचे वाले ब्रांच में कैसे जाएगा करंट. स्विच को क्लोज कर दिया ना अभी अपन ने ये स्विच को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे ये I1 ग्रो होना शुरू कर देगा. इसको भी कोई शॉर्टकट तरीके से सोच रहा हूँ मैं कर सकते कि नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा. लूप लॉस है ये भी. यहाँ पे I1 मान लो आई थिंक इसको लूप लॉस ही तुम्हें करना पड़ेगा. ये करंट को I1 मान ले और ऊपर अगर मैं I मान रहा हूं तो इसमें से I1 माइनस I जा रहा होगा जंक्शन लॉस है
जो मेन सर्किट है उसमें मैंने करंट I1 मान लियो और ऊपर वाले में I मान लियो, तो नीचे वाले में I1 माइनस I जा रहा होगा। सर वो कौन सा V बैटरी वाला? देख ये वाले में, ये वाला करंट तो I दिया हुआ है ना सवाल में। हाँ सर। और जो बड़ा वाला सर्किट है उसमें मैंने I1 मान लियो, तो यहाँ पे नीचे वाले ब्रांच में जो करंट है वो I1 माइनस I जा रहा होगा। कौन सा ब्रांच का बात कर रहा? अरे भाई ये वाला ब्रांच नीचे, ये। हाँ सर हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऐसे अगर मैं जा रहा हूँ तो माइनस टू प्लस फोर ऑप्शन, तो उससे तुम्हें आई बी एज अ फंक्शन ऑफ। सर लास्ट डाउट है सर 54। In an LC circuit, capacitor has a maximum charge of Q naught. What is the value of di by dt का maximum value? अच्छा मुझे बता, charge as a function of time क्या लिख सकते हैं? Q equals to Q naught sin omega t लिख सकता हूँ मैं? हाँ sir. तो I will be equals to Q naught omega cos omega t. And di by dt will be equals to minus Q naught omega square sin omega t. तो di by dt की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो q नॉट ओमेगा स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, एंड ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 by lc। बता सकते हो पेज एक? ये याद है ना तुम लोग को, ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ lc एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। डिफरेंशिएट करके i इज dq by dt है ना? अच्छा ओके सर। सर माइनस के वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहे हैं। हाँ मैग्नीट्यूड पूछा है ना तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके ओके चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो बाय सर। हाँ बोलो सर। एक टॉपिक सर, ये एडी करंट्स क्या होता है? अच्छा एडी करंट्स एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। हाँ ओके सर। अरे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें जनरली सवाल नहीं आते, बट फिर भी बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? नेक्स्ट टाइम। ओके सर। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।